आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कूलर की जो मोटर होती है उसमें कौन सा कैपेसिटर लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कूलर कई प्रकार के होते हैं और उन कूलर में भी कई प्रकार की मोटर होती है। अधिकतर तीन प्रकार की मोटर होती है। एक जो आपके सामने जो कि रेगुलर मोटर है, यदि रेगुलर मोटर आपके पास है तो ये जो मोटर होती है इसमें 4 MFD का कैपेसिटर लगता है, जो कि अधिकतर कूलर के अंदर 4 का ही लगता है यदि इस प्रकार की मोटर है तो। और यदि आपके पास 110 मोटर है जो कि इस प्रकार की मोटर आती है तो उसके अंदर भी 4 का ही कैपेसिटर लगता है, या फिर आप 5 का भी लगा सकते हैं, परंतु अधिकतर जो लगता है वो 4 का ही लगता है। और यदि आपके पास मिनी कूलर है जिसमें एक छोटी मोटर जो कि इस प्रकार की है तो इसमें 2.5 का कैपेसिटर लगता है, मतलब 2.5 का कैपेसिटर लगता है, क्योंकि ये जो मोटर होती है वो काफ़ी छोटी होती है। बस यहाँ पे मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अधिकतर जो कूलर होते हैं उसमें 4 का ही कैपेसिटर लगता है जो कि आप लगा सकते हैं, और ये जो कैपेसिटर होता है वो मार्केट में आपको आसानी से भी मिल जाता है। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।